सवारियां बहुत तेजी से गुजर रही है। अब एक एक चीज ना मुझे नजर आ रही है और ना मैं बयान कर पा रहा। अब देखिए देखिए वो देखिए, सामने वाली सवारी में टूटी हुई मेहराबें और कंगूरे लदे हुए हैं और उनके पीछे वाली सवारी में कटावदार दर और नक्शीन दरीचे हैं। मीनार और गुंबदों की सवारी वो पीछे आ रही है और ये जो सामने से सवारी गुजर रही है इसमें सिंहासन, सुरमेदानी, खासदान, पानदान और इतर दानों का अंबार है। वो देखिए, इसके ठीक पीछे वाली सवारी में अमामों, कलफदार टोपी, खरकों, जुब्बों और अबाओं के गट्ठर लगे हुए हैं और वो जो एक सजी हुई सवारी है ना, उसमें इत्र की शीशियां भरी हुई है। ये जो बिल्कुल हमारे पास से सवारी गुजरी, इसमें बस नवियों, कसीदों, मरसियों, रुबाइयों, बारह मासियों, किस्सों, कथाओं, दास्तानों के दफ्तर के दफ्तर अंदाज में लाद रखे और खत्ताती के बेशकीमत नमूने कदम कदम पर जमीन पर गिरते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। सैयद मोहम्मद अशरफ ने आंखें खोली तो तहजीब की सवारियां रुखसत हो रही थी। सकाफत और शऊर रुखसत हो रहा था। टूटी मेहराबें, कंगूरे, गुब्बदें, मौसिकी के आलात एक तहजीब के साथ रुखसत हो रहे थे और यादों के जजीरे में आंखें उस मलबे को तलाश कर रही थीं जहां माजी की हसीन यादों के गुलदस्ते सजे थे। आखिरी सवारियों का जो मौजू है वो तो बड़ा दुख देने वाला मौजू है। हम और आप जिस उम्र से गुजर रहे हैं, इस उम्र में हमने और आपने बहुत सी चीज़ों को अपनी नज़रों के सामने से ख़त्म होते हुए देखा है। बहुत सी अच्छी कदरों को ख़त्म होते हुए देखा है। बहुत सी अच्छी चीज़ें जो बहुत सी उम्दा कदरों की नुमाइंदगी करती थी उनको ख़त्म होते हुए देखा है। ऐसा लगता है जैसे हर हफ्ते या हर महीने कोई एक चीज़ हमारी तहजीब से उड़ जाती है। नीला उस वक्त गड़ी में था, हालांकि दर हकीकत वो उस वक्त कस्बे में भी था। वो आमों, अमरूदों, बेरों और जामन के बागों में भी था। कस्बे का हर फर्द समझ रहा था कि नीला खुद को उसके दरवाजे पर खड़ा हुआ महसूस हो रहा है। बस दरवाज़ा खुला। आप यकीन कीजिए, मैंने रात को चीख पुकार के बाद अपनी खिड़की से तीन नीले अपनी आंखों से देखे थे। ठाकुर ने रात का मंजर याद किया और झुरझुरिए कर बोले, नीला हर जगह है। हमने नंबरदार को भी देखा है और नीले को भी देखा है और हिंदुस्तान में फैली हुई दहशतगर्दी को भी देखा है। वो मुख्तसर सा नावल जो है वो इन्हीं तीन चीज़ों से इबारत है। नीले से,
नंबरदार से, यानी जो किसी वहशी या किसी वहशत का जो इस्तेहसाल करता है और जो पूरे समाज में दहशत फैली हुई है। शम्सुर रहमान फारूकी को भी एतराफ़ करना पड़ा, बेशक इतना उम्दा फिक्शन तो उर्दू तो क्या, अंग्रेज़ी में भी मैंने बहुत दिन से नहीं देखा। ज़बान व बयान का सलीका और दास्तानी रंग जो अशरफ के यहाँ हैं कहीं और देखने को नहीं मिलता। अबलाग व अखलाकियात का एक पड़ाव तसव्वुफ भी है। उनकी कहानियों में ये सिलसिला मारहरा शरीफ की मुकद्दस सरजमीन से शुरू होता है और अशरफ की कहानियों से होता हुआ दीनी तस्नीफात तक रसाई हासिल करता है। وعلى ورق الفل دلاني ومحملش الذل ديا علی گڑھ سے 65 کلومیٹر دور واقع پیم نگر برکات نگری جس کو مارہرہ شریف کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ وہ مارہرہ شریف ہے جہاں سید شاہ برکت اللہ عشقیو پیمی مارہروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تصوف کی ضیاؤں سے زمانے کو روشن کر رہے ہیں اور پیم پرکاش کی مدھر واڑی سے اس گنگا جمنی تہذیب پہ چار چاند لگا رہے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے سید محمد اشرف کا ایک گہرا تعلیم اور تربیت کا رشتہ ہے۔ انہوں نے پی یو سی سے لے کر ایم اے اردو تک کی تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں حاصل کی، بی اے فرسٹ ڈویژن اور فرسٹ پوزیشن سے پاس کیا، ایم اے اردو فرسٹ ڈویژن فرسٹ پوزیشن سے پاس کر کے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی لٹریری کلب کے سیکرٹری رہے، انجمن اردو معلیٰ کے سیکرٹری رہے، علی گڑھ میگزین کے مدیر رہے۔ سید محمد اشرف کا انتخاب انڈین ریوینیو سروسز میں 1981 میں بحیثیت انکم ٹیکس آفیسر ہوا۔ 1981 کے بعد سید محمد اشرف انڈین ریوینیو سروس میں منتخب ہونے کے بعد سید محمد اشرف انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں مختلف عہدوں پر فائز رہے اور اپنی انتظامی صلاحیتوں کا اپنے شعبے میں سبھی کو معترف کرایا۔ سید محمد اشرف کے گھرانے خانقاہ برکاتیہ سے ایک نعرہ دیا گیا، آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے۔ اس نعرے کو عملی جامہ دینے کے لیے سید محمد اشرف اور ان کے برادران نے 1995 میں علی گڑھ کی سرزمین پر البرکات ایجوکیشنل سوسائٹی کا قیام کیا، جس کے تحت آج تقریباً 10 ادارے سرزمین علی گڑھ پر البرکات ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے نام سے تعلیم کا پرچار اور پرسار کر رہے ہیں۔ علی گڑھ میں اس سوسائٹی نے جہاں مختلف قسم کے اداروں کا قیام عمل میں لایا، وہیں پر غریب اور نادار طلبا کے لیے البرکات ایجوکیشنل سوسائٹی نے البرکات آفٹر نون اسکول کی شروعات کی، جس میں سوسائٹی نے ان طالب علموں کو پڑھنے کا موقع دیا جو وسائل کی کمی ہونے کے سبب
तालीम से महरूम हो चुके थे। इन बच्चों को अलबरकात एजुकेशनल सोसाइटी फ्री में तालीम देती है। इसके अलावा कानपुर और उन्नाव में भी सैयद मोहम्मद अशरफ के ज़ेरे सरपरस्ती तालीमी इदारे कायम हुए। मारेरा में सन 2002 में मारेरा एजुकेशनल सोसाइटी का क़याम अमल में आया और वहाँ पर भी CBSE से इल्हाक शुदा स्कूल मारेरा पब्लिक स्कूल तालीमो तरबियत के मैदान में अहम खिदमात अंजाम दे रहा है। जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा, जो अब्र यहाँ से उठा है वो सारे जहाँ पर बरसा है। सरजमीन अलीगढ़ पर अलबरकात तालीमी इदारों के क़याम के बाद ऐसा लगता है कि सैयद मोहम्मद अशरफ ने मजाज के इस तराने को सच साबित करके दिखाया। इस खानकाहे बरकातिया से एक नारा दिया गया, आधी रोटी खाइए और बच्चों को पढ़ाइए। अशरफ साहब के वालिद माजिद हुजूर अहसनुल उलमा ने यह ख्वाब देखा कि मिल्लत इस्लामिया के लिए तालीम का बेहतर इंतजाम किया जाए। सैयद मोहम्मद अशरफ की पहली कहानी जब शाया हुई तो पूरी उर्दू दुनिया में एक धूम सी मच गई। दूसरी तीसरी कहानी शाये होने तक सैयद मोहम्मद अशरफ उर्दू फिक्शन की दरख्शा तारीख में अपनी जगह का तायुन कर चुके थे। कुरतुलैन हैदर ने कहा, ये एक बड़े क्राइसिस का अदब है और मुसन्निफ ने दुखों के ढेर पर बैठकर दुख की निगाहों से दुख का तमाशा किया है। इस सदी के इख्तिताम पर एक सफ़ात बेहिस बेइल्म जराइम पेशा दुनिया ज़हूर में आ चुकी है। इंसानों की कायाकल्प हो रही है। जब इस नई दुनिया की पंचतंत्र लिखी गई तो सैयद मोहम्मद अशरफ की चंद कहानियां उसमें ज़रूर जगह पाएंगी। सैयद मोहम्मद अशरफ की अदबी सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए मारूफ अफसाना निगार काजी अब्दुलसत्तार कहते हैं कि अफसाना चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का फ़न है। ये सिर्फ बड़ा अफसाना निगार ही जानता है कि उसे क्या नहीं लिखना है। बड़ा और अच्छा अफसाना महज अफसाना नहीं होता बल्कि फिक्र और दानिश की दौलत से मालामाल होता है। अफसाना निगार को ज़बान पर अगर कुदरत नहीं तो महारत यकीनन हासिल होना चाहिए और अशरफ को ये महारत हासिल हो चुकी है। फुज़ैल जाफरी फरमाते हैं, अशरफ का नावलट नंबरदार का नीला बहुत पसंद आया। नावल में उन्होंने बड़े काबिल यकीन अंदाज में ये दिखाया है कि जानवर भी धीरे धीरे उन इंसानों की तमाम खसूसियत जज्ब कर लेते हैं जिनके साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसे एक दो नहीं सैकड़ों नाम हैं जिन्होंने अशरफ को इस अहद का अजीम दास्तागो करार दिया है। अब ये देखिए, नाम तो मैंने नहीं रखा इस डॉक्यूमेंट्री का, लेकिन सैयद मोहम्मद अशरफ एक दास्तान गो। अब जाहिर है कि कहानी दास्तान भी कहानी ही होती है और दास्तान जो है वो एक नावल का या एक कहानी का बहुत ही ढीला ढाला सा एक रूप होता है। मेरे ख़्याल में शायद नाम रखने वाले के जहन में ये बात होगी कि जिस तरीके से दास्तान सुनाने वाला दास्तान सुनाता है और दास्तान सुनने वाले दास्तान में महव हो जाते हैं, उस तरीके की कहानी लिखने वाला सैयद मोहम्मद अशरफ है। अगर ये ख्याल है तो मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ। इसमें कोई शुबा नहीं कि हमारे अहद के अफसाना निगारों में सैयद मोहम्मद अशरफ का नाम बहुत अहम है। ये सब जानते हैं कि उन्होंने जिस तरह से अफसाने लिखना शुरू किए उसी वक्त से वो मशहूर होते चले गए, इसमें कोई शुबा नहीं है। सैयद मोहम्मद अशरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए जब मारेरा शरीफ से यहाँ तशरीफ़ लाए, उस वक्त उनके अंदर एक ऐसे जरासीम मौजूद थे जो
ये इशारा कर रहे थे कि ये एक अच्छे दास्तान को अच्छे अफसाना नगार बनेंगे। अशरफ एक अच्छे अफसाना नगार तो हैं ही, एक अच्छे इंसान भी हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप अच्छे फनकार नहीं हो सकते। कि उन्होंने जो हमारी दास्तानों की रवायत है उसको उसका इस तरह से तजदीद की है कि वो सिर्फ कदीम उसलूब को इख्तियार नहीं किया बल्कि कदीम जो दास्तानें थीं उसमें जो बुनियादी इंसानी रम्ज़ हैं, जो इंसानी नफ्सियात है और गहरे इंसानी शऊर है, उसको उन्होंने अपने अफसानों में और नावलों में पेश किया। उसलूब की सतह पर तकलीद करना, दास्तान के उसलूब में लिखना तो आसान काम है, लेकिन दास्तानों के पीछे जो एक तसव्वुर कायनात है और जो पूरी इंसानी नफ्सियात की गहरी तफ्तीश है और कुछ अजली सदाकतें हैं उनको पेश करना और जो आपकी जो मासिर सूरत हाल है, जो असरी तकाज़े हैं उनसे उनको हम आहंग करना एक अहम कारनामा है। तरक्की पसंदी को जवाल आ चुका था। उस वक्त सैयद मोहम्मद अशरफ डार से बिछड़े लिख रहे थे। अगर आप उस दौर को नज़र में रखें तो अशरफ ने अपनी आमद के साथ ये ऐलान कर दिया था कि अब उर्दू फिक्शन में तब्दीली का दौर आ चुका है। अशरफ पुराने लिखने वालों से मरूब नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपना रास्ता अलग बनाया और अपनी डगर पर तन्हा चले। तो डार से बिछड़े जब कहानी लिखी तो उसमें आबी परिंदों को, ये जो सरमाई परिंदे होते हैं जिनको माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं, इनको मैंने कोशिश किया कि इनको महाजरीन से इनकी तशबीह दी जाए या इनको महाजरीन का इस्तियारा बनाया जाए। तो वो कोशिश किसी न किसी शक्ल में कामयाब हुई। लड़के अब भी मई जून में अपने कोमल बदन धूप में झुलसाते हैं या नहीं? उन हाथों पर अब खून कहां था? वो तो बस उसी वक्त जाने कहां से आन टपका था जब परिंदों पर मैंने बंदूक उठाई थी। मैंने परिंदों की सफ को पूरब की तरफ धुआं होते हुए देखा। मैंने उनसे चुपके से कहा, देखो पर सलामत तो लेकर जा रहे हो, लेकिन इतना करना कि हिंदुस्तान पर से गुजरो तो उन लोगों का मातम कर लेना जो यहां से जाकर बेवतन हो गए थे। जर्मनी की कैसे कैसे वहां से गुजरो तो थोड़े उदास हो जाना, हमें तो तुमने देख ही लिया है, लेकिन हम अकेले थोड़े ही हैं। वजीरुद्दीन की बीवी है, नवाब है, हर जगह तुमको ऐसे कितने ही शिकस्त पर मिले हैं। जहां किसी को समझ ये बर्फ चूमने के सपने दिख रहा है, बस वही तुम भी जरा दुखी हो लेना। जाओ अब पहाड़ों के पीछे अपने वतन वापस चले जाओ। बसी मैदान, नुकीली पत्तियों वाले देवकामत खूबसूरत दरख्त, पर बर्फ में दबी हुई अंडों के खोल में बंद तुम्हारी अजीज चीजें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अलविदा, खुदा तुम्हारी परवाज का हाफिज है।
परिंदों का आखिरी पर अभी आसमान की वसातों में धुएं की लकीर बन चुका था। झटकी सामने से नवाब आ रहा था। तुमने फायर क्यों नहीं किया? तमाम माहौल बेहद पुरअसरार हो गया। दरख्तों और खेतों की सरसराहट भी बिल्कुल खामोश हो गई। किनारे पर बैठा सारस का जोड़ा भी चुप हो गया। पानी के शरर शरर की आवाज भी बिल्कुल मादूम हो गई। तुमने फायर क्यों नहीं किया? वो नवाब पुराने कारतूस थे, दगा दे गए, सब मिस हो गए। लेकिन सुनो। हाँ, क्या है? तुमने फायर क्यों नहीं किया? एक आध चिड़िया तो गिरा ही लेते कम से कम, बिल्कुल तुम्हारे सर पर उड़ रही थी। वो थोड़ी देर तक खामोश खड़ा रहा। हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर खामोश हो गए और इतनी मुश्किल से अपने पे जब्त किया कि बस मजा आ गया। हम सब खामोश थे। हवाएं बहुत तेज हो गई थी। तख्लीक का सफर वाकई पुरअसरार है। डार से बिछड़े का अफसाना निगार ऐसा सयाह है जो सफर से समझौता करने को तैयार नहीं है। उसका तख्लीकी कर्ब एक डार से दूसरी डार तक उसे भटकाता रहता है। इंसान को देखने और समझने की ये जुस्तजू उसे मुसलसल एक सफ़र से दूसरे सफ़र की जानिब खींचती रहती है। शायद इसीलिए अशरफ के अंदर का अफसाना निगार कभी चैन से नहीं बैठा। कि वो ज़बान पर बहुत मेहनत करते हैं, इसीलिए अशरफ का हर आदमी उनकी ज़बान का कायल है। और अगर कोई किसी को ज़बान की मिसाल देनी होती है तो अशरफ का नाम लिया जाता है। सैयद मोहम्मद अशरफ की तहरीरों में ख़ास बात यह है कि वो किसी से मरूब नहीं हुए। ना वो तरक्की पसंद तहरीक के जो नज़रियात थे, जो मार्क्स का नज़रिया था उसको फॉलो किया, उस इस तरह से फॉलो किया कि सब कुछ वही है, ऐसा नहीं था। उनकी अपनी फिक्र थी, अपने तजर्बात थे, अपना नज़रिया था। एसेंशियल ह्यूमन ट्रेट्स क्या हैं, अजली इंसानी तकदीर क्या है, वो कैसे कायम होती, तो अशरफ इस लिहाज से ज़बान की सतह पर भी, मौजू की सतह पर भी और ट्रीटमेंट के लिहाज से भी हमारे इस अहद के बहुत अहम और काबिल ज़िक्र अफसाना निगार हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ लिखते रहे, उसमें कभी इस बात की कोशिश नहीं की कि हमें एक ही तरह की कहानी लिखनी है। जो सामने मौजू आ गया और जिस मौजू को अदा करने का टूल हाथ में आ गया वो कहानी लिख गई। उन्होंने हर चीज़ को अलग अलग स्लॉट दिया है टाइम, मतलब अलग अलग सब कुछ निभाया उन्होंने। ऐसे नहीं है कि जैसे मैं खुद अगर कोई कहे कि मुझे पहले आओ सुबह उठो ऑफिस जाओ यहाँ आके फिर अलबकात का देखो फिर वहाँ जाओ फिर स्टोरी लिखो फिर जाके आप टेबल टेनिस भी खेलो और स्विमिंग भी करो और बाद में आके फिर घर वालों से के साथ भी रहो, किसी को अगर मदद करनी है वहाँ पर भी जाओ, किसी के रिलेशन में जाना है वो भी करो, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। वो मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। तो ये देखा है कि मतलब एक 24 घंटे में ही उन्होंने
48 घंटे का काम कर दिया हूँ। वो बेहद मसरूफ होने के बावजूद भी अपना ज़्यादातर वक्त अपने घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने अजीज़ों के साथ जो है मुकर्रर करके रखते हैं। बाकी जो उनके इंटरेस्ट हैं, जैसे बॉक्सिंग का उन्हें, मतलब बॉक्सिंग देखने का, करने का तो नहीं, देखने का उनको काफ़ी शौक है। वो यूट्यूब पर भी देखते रहते हैं और हम लोग को भी दिखाते रहते हैं। मैंने भी कुछ कुछ उनकी वजह से बॉक्सिंग देखी। और मतलब शूटिंग का भी है शौक कि अब अक्सर अपने किस्से सुनाते रहते हैं शिकार के। पापा का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। जब मैं यहाँ पे आई थी तो पहले मुझे समझ नहीं आया था कि वो जो बातें करते हैं अपनी हाजिर जवाबी जो है उनकी, उनको मैं इतना अच्छे से नहीं समझ पाई थी। लेकिन बाद में उनके साथ रहते रहते वो जो है और खुला और मुझे उनकी अब हाजिर जवाबी का जो है मज़ा आने लगा है। इस अजीम दास्तागो को दुनिया भर के इनामात और एजाजात से नवाजा जा चुका है। अशरफ की शोहरत आलमी बस्ती में कुछ उस खुशबू की तरह फैली हुई है कि उनका नाम आते ही एहतराम का जज्बा पैदा हो जाता है। 1975 में मजमुई नुमाया अदबी कारकर्दगी के लिए आफ्ताब हॉल ट्रॉफी भी हासिल हुई। नंबरदार कनीला को ज़हने जदीद दिल्ली ने 1995 में कथा अवार्ड से सरफराज किया। अदबी रिसाले के अदबी जायजे 2000 में 20वीं सदी के बेहतरीन नावल में नंबरदार के नीला को शामिल किया गया। साहित्य एकेडमी अवार्ड 2004 में सैयद मोहम्मद अशरफ को उनके अजीम तख्लीकी कारनामे बादे सबा के इंतज़ार के हवाले से हासिल हुआ। उर्दू का इम्तियाजी इनाम कहलाने वाला फरोगे उर्दू दोहा कतर इनाम 2010 में सैयद मोहम्मद अशरफ को हासिल हुआ। मध्य प्रदेश सरकार का इकबाल सम्मान सैयद मोहम्मद अशरफ को 2017 में मिला। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी ने इस अजीम दास्तागो को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। 2017 में पहला शमीम नखत अवार्ड सैयद मोहम्मद अशरफ को बराए फिक्शन निगारी दिया गया। जिंदगी का सफर अभी बाकी है। ऐसा लगता है कि जैसे दास्तान अभी शुरू हुई हो। एक अजीम दास्तागो का सफर। इस सफर की बहुत सी मंजिलें अभी बाकी हैं, लेकिन दास्तागो ने अपनी जिंदगी में एक ऐसी शिनाख्त कायम कर ली है जिसकी शाखों से निकलने वाले पत्ते, मौसम और वक्त गुजरने के साथ साथ और भी सरसब्ज होते चले जाएंगे।